भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले उचेती पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि मंत्री को एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। रविवार को उचेती स्थित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कृषि मंत्री का समाचार सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने कृषि मंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया और कहा कि आज किसान बेहाल है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। ऐसे में किसान परिवारों को कई संकटों से जूझना पड़ रहा है। किसानों द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन कार्यक्रम में मौजूद रहे जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व SSP प्रभाकर चौधरी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंप रहे किसान यूनियन के नेता डॉक्टर नौसिंह से जब इस बाबत बात की गई तब उन्होंने बताया, कर रहे इस मांग को, गन्ने का भुगतान जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं ब्याज के भुगतान दिलाया जाए किसान को। नंबर एक, 3-3, 4-4 वर्ष हो गए हमारे कनेक्शन समाधान योजना में पैसा जमा हुआ, आज तक किसानों को कनेक्शन नहीं दिया गया सामान्य योजना में, और जमा धन योजना में लाखों रुपए जमा करने को तैयार है, आज कनेक्शन ले लो, आज सामान मिल ले लो, और अरबों रुपया सरकार डकार गई, अरबों रुपया। दूसरी बात यह है, बिजली का फैसला हुआ 50% कम करने का, जब फैसला समझौता करा हमारे 40 आदमियों के बीच में, आज तक क्यों नहीं वो मान्य हुआ। ठीक है, तीनों जो कानून है वो वापस किया जा, घर हमारी जब वापसी होगी। किसको दिया आपने ज्ञापन, किसको दिया ज्ञापन? अब दिया हमने मंत्री को, सुनेंगे, ज्ञापन दिया हमने कृषि मंत्री को, ज्ञापन भिजवाया उसके नाम। अच्छा, आप कहाँ तक जाएंगे धरना पर? कहाँ से धरना चालू? धरना प्रदर्शन मंत्री गया, हमने उसे दिखाया, प्रदर्शन पूरा किया और हम यहाँ तक आए धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? और MSP कानून में लाई जा, कानून में, जब तक MSP और तीनों कानून वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं, जब तक चाहे जिंदगी बीत जाए हम आंदोलन करते रहेंगे। और किसी भी विधायक, सुनियो भाई रवि, किसी भी विधायक और मंत्री को और संतरी को BJP के किसी आदमी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा आज के बाद। किसी जो ये भीख मांगे वोट मांगने आएंगे हमसे, हम इन्हें गांव में नहीं घुसने दिए जाएंगे, घुसने देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं तीनों कानून जो है हमारे, जो काले कानून है, उन्हें जो है वापिस करे सरकार, MSP लागू करे, बिजली का जो सामान्य योजना में बिल एस्टिमेट एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का मतलब समझौता हुआ है, हमें सारे किसानों को समझौता दिया, कनेक्शन दिए जाए। दूसरी बात, बिजली के 50% रेट कम करे जाए। और तीसरी बात यह है, जो शहीद हुए हमारे वहाँ 215 आदमी बोट क्लब उसमें गाजीपुर बॉर्डरों पर, उन्हें शहीदी का दर्जा दिलाया जाए और उन्हें उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए और उनके एक परिवार के एक आदमी को नौकरी दिलाई जाए, और जो लोग गिरफ्तार किए हैं बिना शर्त को रिहा किए जाएं, और जो दोषी हैं उन्हें तो हम उन्हें नहीं कह रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सारे लोग BJP के थे, ये वहाँ फेवर कर रहे हैं, जो लोग निर्दोष पकड़े गए हैं उन्हें जो है बिना शर्त रिहा करे सरकार, नहीं तो सरकार के किसी भी नुमाइंदे को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा आज के बाद में।